नमस्कार दोस्तों, आज दिनांक 6 अप्रैल दिन शनिवार से प्रारंभ हो रहे नव वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह नव पर्व आपके लिए बहुत ही सुखदायी और बहुत ही समृद्धि पूर्वक रहे। तो इसके साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि इसके साथ हम क्या क्या मनाते हैं। तो आज हिंदू नव वर्ष भी है, चैत्र नवरात्रा से शुरू हो रही है, महाराष्ट्र का गुड़ी पड़वा पर्व भी आज मनाया जाता है और इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है, मतलब 6 अप्रैल। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा यह जो चैत्र माह लग रहा है, इसी दिन यह 3 पर्व जो हैं, 1, 2, 3 हिंदू नए पर्व, चैत्र नवरात्रि, गुरु पड़वा मनाया जाता है। तो हम इसके बारे में, इतिहास में वर्ष प्रतिपदा किस प्रकार है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का सृजन किया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज के दिन ही राज्याभिषेक हुआ, माँ दुर्गा की उपासना की नौ रात्र व्रत का प्रारंभ आज ही माना जाता है, आज से ही होता है। युगाब्दि ने युधिष्ठिर संवंत का प्रारंभ और उनका शुरू आज ही राज्याभिषेक हुआ था। विक्रमादित्य द्वारा विक्रमी संवंत जो है उसका शुरुआत हुई थी। शाली वाहन शक संवंत, मतलब राष्ट्रीय पंचांग जो भारत सरकार मानती है, उसका प्रारंभ आज से माना जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने आज ही आर्य समाज की स्थापना की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक का जन्मदिन भी आज ही है और इसके साथ अंगद देव जी का जन्मदिन है और झूलेलाल, संत झूलेलाल जी का प्रकट दिवस एक मनाया जाता है। तो ये सिख परंपरा के द्वितीय जो गुरु हैं, गुरु अंगद देव जी का जन्म आज ही माना जाता है। और इसके बाद सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक, ये अरुणा अवतार है, संत झूलेलाल जी का आज प्रकट दिवस, उनका मतलब जन्मदिन है उनका, जो जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये मेन है कि इस दिन 6 अप्रैल तो कैलेंडर पंचांग के अनुसार है, लेकिन हिंदू पंचांग के अंतर्गत जो प्रतिपदा होती है चैत्र की प्रथम दिन, उसी दिन ये 10 तकरीबन उत्सव मनाए जाते हैं। तो हम इसके बाद में आपको बताएंगे कि किस तरह नौ दुर्गा के आगमन से सजता है नौ वर्ष, गुड़ी के त्योहारों से खिलता है नौ वर्ष, कोयल गाती है नौ वर्ष का मल्हार, संगीतमय सजता है प्रकृति का आकार, चैत्र की शुरुआत से होता है नौ आरंभ, यही है हिंदू वर्ष का शुभारंभ। तो हिंदू वर्ष की मेरी तरफ से और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। MPPSC आपको और भी अधिक जानकारी देगा, तो वीडियो को भी देखते रहें, रुका नहीं है। तो इसके पश्चात हिंदू जो विक्रम संवत, हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है और यह संवत 57 ईसा पूर्व प्रारंभ होती है, मतलब ईसा के जन्म के 57 वर्ष पूर्व होती है। तो ये दिखाया है 776 विक्रम संवत है, 2076 और 2019 आज कैलेंडर के अनुसार, तो 57 संवत का फर्क आता है। तो 57 वर्ष पहले मानी गई थी ईसा के जन्म के पहले, 57 ईसा पूर्व। तो इसी प्रकार आगे बताएंगे कि शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का मुख्य आधार वनस्पतियों को सोमरस चंद्रमा ही प्रदान करता है और इसे वनस्पति औषधि और वनस्पति को राजा कहते हैं, इसलिए इस दिन को वर्षा आरंभ माना जाता है। मतलब शुक्ल प्रतिपदा का दिन है ये, आप ये देखिए, मतलब चैत्र के माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, मतलब प्रथम दिन चंद्रमा अपना कला बदलता है और इस दिन को हिंदू वर्ष अपना शुभारंभ माना जाता है। तो कि यहाँ से बहुत ही अच्छा शुभ दिन माना जाता है। तो इससे बहुत बहुत धार्मिक कर्म भी अच्छे तरीके से किए जाते हैं, धार्मिक कोई अनुष्ठान भी होता है, क्योंकि माता की उपासना के उद्देश्य से धार्मिक अनुष्ठान भी कई कई जगह होता है। ये गुप्त नवरात्र के रूप में मानी जाती है। एक होती अश्विन, दो नवरात्र मेन होती है, चैत्र नवरात्र, एक होती अश्विन नवरात्र, जिसमें मैं मुख्य मानी जाती बताऊँगा आपको मैं इसके बारे में आगे। तो शुक्ल प्रतिपदा का दिन है, इसमें चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। तो रात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ हम बताएंगे कि यह नवरात्रि पर्व का क्या महत्व है। हिंदू समाज में इस नवरात्रि पर्व
को किस प्रकार और कैसे और इसका महत्व क्या है, तो इसके ऊपर में हम चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे और आपको इसके बारे में हम जानकारी देंगे। यहाँ पे नवरात्रि पर्व के बारे में हमने बताया है कि किस प्रकार नवरात्रि वह समय है जब दो ऋतुओं का दो जो ऋतुआँ होती हैं ऋतुएँ उनका मिलन होता है। इस संधि काल में ब्रह्मांड से असीम शक्तियाँ ऊर्जा के रूप में हम तक पहुँचती हैं। मुख्य रूप से हम दो नवरात्रों के विषय में जानते हैं, पहली नवरात्रि मानी जाती चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि गर्मियों के मौसम की शुरुआत करती है और प्रकृति माँ का एक प्रमुख जलवायु परिवर्तन से गुजरती है, प्रकृति माँ जो है। तो यह लोकप्रिय धारणा है कि चैत्र नवरात्रि के दौरान एक उपवास का पालन करने से शरीर से गर्मियों आगामी गर्मी के मौसम के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार चैत्र नवरात्रि में लोगों की यह मान्यता है कि यहाँ से व्रत रखना या उपवास रखना, उससे क्या होता है कि तामसिक शक्तियों पर कंट्रोल होता है, उस पर हम नियंत्रण करते हैं। जो गर्मी का यह पड़ाव आता है तो आपको गर्मी सहने की एक क्षमता का अंदर शरीर में सृजन होता है और उसके साथ ही साथ माता की आराधना के लिए भी एक ये महत्वपूर्ण माना गया है। ये जो चैत्र नवरात्र है इसे गुप्त नवरात्र भी ऐसा माना जाता है। तो ज़्यादातर अनुष्ठान की जो प्रक्रिया है वह इस चौथ चैत्र नवरात्रे में अधिकतर होती है। इस दौरान माता के रूप 9 दिन यह कार्यक्रम होता है, मतलब आप मान लीजिए 6 तारीख से कार्यक्रम स्टार्ट होगा जो 6 अप्रैल है और वो करीबन 9 दिन चलेगा। चैत्र पक्ष की नवरात्रा शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा तिथि होती है उससे प्रारंभ होती है और रामनवमी को इसका समापन होता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रा 6 अप्रैल से प्रारंभ है व समापन 14 अप्रैल को है। नवरात्रि में मां भगवती के सभी 9 रूपों की उपासना होती है। हिंदू पुराण और ग्रंथों के अनुसार चैत्र नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण नवरात्रि है जिसमें देवी शक्ति की पूजा की जाती है। रामायण के अनुसार भी भगवान श्री राम ने चैत्र के महीने में देवी दुर्गा की उपासना कर रावण का वध किया था। तो इसका मतलब यह कि राम जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने चैत्र नवरात्रा में माँ भगवती की आराधना की थी और उनसे शक्ति ली थी, उनसे वरदान लिया था और रावण के उसके पश्चात वह रावण के समक्ष युद्ध के लिए तैयार हुए थे। मतलब रावण की शक्तियों के सामना करना और माँ भगवती से आशीर्वाद भी राम प्राप्त करने के उद्देश्य से भगवान श्री राम ने यही समय को चुना और उसे उचित माना। इसलिए यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यह जो समय है किस प्रकार हमारे लिए शक्तिवर्धक और फलदायी होता है। इस प्रकार की भगवान श्री राम ने उपासना करके जो शक्ति प्राप्त की थी उसके पश्चात वह युद्ध करने गए थे और अगले अश्विन मास के 6 माह बाद अगले अश्विन मास में जो नवरात्रा आती है उस नवरात्रा पे बाद हम जब दिवाली मनाते हैं, दिवाली पर भगवान दिवाली मनाए थे तो उस दिवाली के पश्चात दशहरा मनाते हैं। उस जो दशहरा आती है नवरात्र के उस टाइम में, उस दशहरे में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था इस प्रकार देखिए। और उसके पश्चात फिर भगवान श्री राम अयोध्या आए थे। तो माँ भगवती की आराधना के लिए ये बहुत अच्छा समय है, तो कृपया ध्यान दें आप। महाराष्ट्र में जो ये गुड़ी पाड़वा पर्व मनाया जाता है वो आज की दिन मनाया जाता है और इसे 9 वर्ष माना जाता है महाराष्ट्र में। तो इसका मतलब है गुड़ी पाड़वा पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता है। हम गुड़ी पाड़वा पे आप प्रकाश डालेंगे कि गुड़ी पाड़वा जो है मराठी का पाड़वा पर्व पे है, जो इस दिन हिंदू नए वर्ष वो महाराष्ट्र भाषा में माना नया वर्ष मानते हैं, तो उसे गुड़ी पाड़वा कहते हैं। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को गुड़ी पाड़वा या वर्ष प्रतिपदा या युगादि कहा जाता है। इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है जिसमें जो गुड़ी का अर्थ है वह विजय पताका मतलब ध्वजा,
होता है। कहते हैं शालिनी वाहन ने मिट्टी के सैनिकों से सेना से प्रभावी शत्रु शक है का पराभव किया और विजय के प्रतीक के रूप में शालिवाहन शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। शक संबंध जो मानते हैं वो है युग और युगादि शब्दों की संधि में बनाया है। युगादि मतलब युग का प्रारंभ। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में युगादि और महाराष्ट्र में यह पर्व गुड़ी पाड़वा कहलाता है या उसका रूप दिया गया है या उस रूप में यह त्यौहार बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। तो गुड़ी पाड़वा नव वर्ष को कितने रूप में मतलब आप आंध्र कर्नाटक महाराष्ट्र मध्य प्रदेश उत्तर भारत तरफ उसको नए वर्ष के रूप में माना गया है। अब हमारी चर्चा का अगला विषय है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2014 में 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया कि एक व्यापक रूप में मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर हम किस प्रकार वो खेल दिवस मनाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के संस्थापक सह आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक फ्रांसीसी इतिहासकार पियरे फ्रेडे बोरेन डी क्यूबर्टिन के प्रयास ने से 6 अप्रैल 1896 को एथेंस में पहला आधुनिक खेल की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि पहला आधुनिक खेल 1896 से स्टार्ट, मतलब तो खेलों का जो समय काल है बहुत ही पुराना है जो आज भी निरंतर चले आ रहा है। मतलब तो खेलों का जो महत्व है आज से कितने साल पहले की यह घटना है जब हमने खेलों के महत्व के रूप में खेलों का महत्व स्टार्ट हो गया था और आज अब मतलब उस 1896 माना गया तो उसके पहले जब खेल स्टार्ट थे तभी वो दिवस की घोषणा की गई थी। तो अभी 1900 इस साल इंटरनेशनल डे का स्पोर्ट्स का जो सिंबल ये है तो जज्बा पर्याप्त खेल का। तो इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट ऑफ फॉर फाउंडेशन एंड पीस फॉर पीस, तो विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के विषय में हम बात करेंगे कि विकास और शांति हेतु प्रत्येक वर्ष की 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह घोषणा 23 अगस्त 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने की थी और उसके बाद 6 को निर्णय बनाया गया था अगले साल से। तो 1896 में 6 अप्रैल को एथेंस में प्रथम आधुनिक खेलों का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय राष्ट्रीय खेल और विकास संगठनों द्वारा समाज में खेल की भूमिका व योगदान हेतु यह दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यानी खेल में रुचि को बढ़ाने हेतु यह कदम 1896 में उठाया गया था। तो और उसके पहले से खेलों के में रुचि लोगों में थी, इस उद्देश्य से यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। तो खेल है तो शरीर में जान है, खेलो इंडिया खेलो ऐसे बहुत से कार्यक्रम आज हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं और जिसको बच्चों इससे बच्चों का विकास होता है। बच्चों में मानसिक शारीरिक आर्थिक विकास हेतु खेलों को महत्व के रूप में और उसकी रुचि में दर्शाया गया करता है। लोगों में रुचि बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत से कदम इस सिलसिले में उठाती है व्यापक स्तर पर, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर हो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, इस सभी स्तरों पर खेलों के महत्व को बढ़ाने हेतु सरकार ने बहुत से कदम आज भी लगातार उठा रही है। तो कृपया इसी तरह MPPSC 2020 की वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अधिक से अधिक अपने हमें कमेंट बताएं कि आपको वीडियो क्या पसंद आ रहा है या नहीं। तो कृपया इसे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।